दोस्तों, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्लीपर मेकिंग बिजनेस ही करना है और आप मशीन लेने का सोच रहे हो, तो ये 5 टिप्स आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, जिससे आप अपने साथ फ्रॉड होने से बचा सकते हो। तो प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए रेगुलर अपडेट्स के लिए। टिप नंबर 1, इंडिया मार्ट के प्राइसिंग पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब आप सर्च करते हो कि आपको स्लीपर मेकिंग मशीन लेना है, तो बहुत सारी सेलर्स की लिस्ट उनके प्राइसिंग के साथ आती है, बट बहुत सारे सेलर्स सिर्फ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कम प्राइसेस रखते हैं, जिससे कस्टमर्स उनको इंक्वायर करें और आप उनसे मशीन खरीद लो। तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान में रखिए। बट जब आप कॉल करते हो या फिर विजिट करते हो, तो आपको अलग ही प्राइसिंग पता चलती है, इससे आप मिसगाइड भी होते हो और आपका टाइम भी वेस्ट होता है। टिप नंबर 2, मशीन कभी भी मशीन बनाने वाले से ही ले, क्योंकि वही लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे और आपको अच्छे से सर्विस दे पाएंगे। टिप नंबर 3, इंडिया मार्ट पर हर सेलर मैन्युफैक्चरर नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स अपना इंडिया मार्ट पर रजिस्ट्रेशन एज ए मैन्युफैक्चरर करते हैं और दूसरे की मशीन खरीद कर आपको बेचने का ट्राई करते हैं। तो इन सारे फ्रॉड एजेंट से बचने का एक ही तरीका है, क्योंकि जब आप उन्हें कॉल करते हो फिर इंक्वायर करते हो, तो उन्हें बोलिए कि मुझे वीडियो कॉल करके अपनी फैक्ट्री दिखाएं। अगर वो एजेंट फैक्ट्री दिखाने में आपको सक्सेसफुल होता है, फिर आपको फैक्ट्री दिखाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप एक सही इंसान के साथ कॉन्टैक्ट में हो। टिप नंबर 4, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इसी मैन्युफैक्चरर से मशीन लेना है, तो प्लीज उस मैन्युफैक्चरर के फैक्ट्री में एक बार विजिट कीजिए और सारी मशीन्स का डेमो जरूर लीजिए, और क्या क्या सर्विस देने वाले हैं, क्या क्या आपको मशीन की कॉस्ट आने वाली है, वो पूरी जानकारी एक बार जरूर ले लीजिए। टिप नंबर 5, कोई भी रेडी मशीन ना ले, या फिर जो भी पहले से पड़ी हुई मशीन है वो बिल्कुल ना ले। मैन्युफैक्चरर को बोलिए कि ये टाइम पीरियड लेकर एक मुझे नई मशीन बना के दो। मशीन जब पूरी बन जाती है, तो एक बार उसका डेमो लेकर पूरा टेस्ट वगैरह करके एक प्रोडक्शन चलाकर उन्हें बताने की रिक्वेस्ट करें। अगर आप ये सारी टिप्स फॉलो करते हो, तो आपको कोई भी पागल नहीं बना सकता है। और आपको ये टिप्स अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।